स्वामी नारायण अरे संवंत 1876 ना माक्षर सुदी सप्तमी ने दिवस श्रीजी महाराज श्री गढ़रा मध्य दादा खाचरना दरबार मा विराजमान हता अने सर्वे श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता अने पोताना मुखारविंद नी आगळ साधु तथा देश देश ना हरिभक्त नी सभा भराई ने बैठी हती। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे भगवान ना भक्त ने परस्पर ईर्ष्या न करवी। त्यारे आनंदानंद स्वामी बोल्या जे हे महाराज ईर्ष्या तो रहे छे। त्यारे श्रीजी महाराज बोल्या जे ईर्ष्या करवी तो नारद जी ना जेवी करवी। जेम एक समय ने विषे नारद जी ने तुम्बरु ए बे वैकुंठ ने विषे लक्ष्मी नारायण ना दर्शन करवा गया। ते लक्ष्मी नारायण आगळ तुम्बरू ए गान कर्यो। तेणे करीने लक्ष्मीजी तथा नारायण ए बे प्रसन्न थईने तुम्बरू ने पोताना वस्त्र आभूषण आप्या। त्यारे नारद जी ने तुम्बरू ऊपर ईर्ष्या आवी जे हूँ तुम्बरू ना जेवी गान विद्या शीखूं अने भगवान ने प्रसन्न करूं। पछी नारद जी गान विद्या शीखता हवा अने भगवान आगळ गाता हवा। त्यारे भगवाने कयूं जे तमने तुम्बरू ना जेवू गाता नथी आवडतू। पछी वळी शिव उपर तप करीने शिव थकी वर पामीने गान विद्या शीखीने भगवान आगळ गाता हवा। तो पण भगवान एनी गान विद्या उपर प्रसन्न थया। एवी रीते 7 मन्वंतर सुधी गान विद्या शीख्या अने भगवान आगळ गाया तो पण भगवान प्रसन्न न थया। पछी तुमरू पासे गान विद्या शीख्या अने श्री कृष्ण भगवान आगळ द्वारिका मां गाता हवा। त्यारे श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न थया अने पोताना वस्त्र अलंकार नारद जी ने आप्या। त्यारे नारद जीए तुमरू साथे ईर्ष्या मेली। माटे ईर्ष्या करवी तो एवी करवी जे जेनी ऊपर ईर्ष्या होय तेना जेवा गुण ने ग्रहण करवा अने पोताना अवगुण ने त्याग करवा अने तेवु न थवाय ने जे ईर्ष्याए करीने भगवानना भक्तनो द्रोह थाय तेवी ईर्ष्यानो तो भगवानना भक्तने सर्व प्रकारे त्याग करवो। इति वचनामृतम्। एवी रीते गढ़रा प्रथम प्रकरणनु चौथु वचनामृत थयो।